फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आई हूँ ससुराल, तो मैंने सोचा कि आप लोग को मेरी शादी तो आप लोग देख नहीं पाए तो क्यों ना अपनी शादी की एल्बम ही आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। तो मैं अपने रूम में बैठी हूँ और ये एल्बम भी लिया है मैंने। मैं सोच रही हूँ कि आपको दिखाती हूँ फोटो। तो चलो, आप लोग तैयार हो देखने के लिए? तैयार हो ना? तो ये है दूल्हा और दुल्हन, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते हो तो चलो बता ही देती हूँ कि ये हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि शादी हमारी है तो फोटोज़ भी हमारी ही होगी। चलो, ये तो मजाक की बात होगी। तो ये हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। ये मेरी बहन रेड साड़ी में, ऑरेंज साड़ी में मेरी चाची, और ग्रीन में मैं, जो कि हल्दी के लिए, मुझे लग रहा है कि हल्दी की रस्म, हाँ हल्दी की रस्म ही थी। इधर चाची मेरी पीछे से पकड़ी है क्योंकि पूजा पाठ उन्होंने किया था। मेरे पापा नहीं है तो मम्मी ने नहीं किया, तो मेरी चाची और चाचा ने किया था मेरा जो भी पूजा पाठ होता है। ये बारात आ गई है और ये बारात का सारा कुछ पूरा है जो भी होता है उसका। मेरे चाचा जी हैं और हस्बैंड हैं, ससुर जी हैं, पंडित जी हैं, ये द्वार पूजा हो रही है। ये आ गया जयमाल का स्टेज, यहाँ रिबन कट कर रहे हैं लास्ट वाली फोटो में। रिबन कटिंग, यहाँ मैं जयमाल के लिए जा रही थी। अगल बगल से मेरी दीदी लोग हैं। मैं और मेरी बहन की फ़ोटो बिल्कुल एक, मतलब फ़ोटो क्या, हम और मेरी एक बहन है जिनकी एकदम सेम सेम है, मेरी जैसे ही एकदम बिल्कुल है उनका चेहरा। जब वो पहले पहन के आई बाहर, जिन्होंने ब्लू कलर की साड़ी डाल रखी है, तो लोगों ने सोचा कि वही दुल्हन है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, दुल्हन तो मैं हूँ। जब मैं बाद में नहीं, लोग पहले वही सोच रहे थे कि दुल्हन कहाँ इधर उधर घूम रही है। और ये जयमाल के टाइम का फ़ोटो है। ये जयमाल की फ़ोटो, नहीं पता था तब उतना सारा, अब होता तो अब अपने हिसाब से सब कुछ करती, किया तो उस टाइम भी था। ये जो चले गए, दिखाऊंगी बाद में। ये जो दो लोग दिख रहे हैं नीचे लास्ट वाली फ़ोटो में, ये मेरे जेठ हैं। उधर वाले बड़े जो चश्मा लगाए, वो बीच वाले जेठ हैं। और ये मैं और ये बीच में जो बच्चा है, वो मेरी बड़ी वाली दीदी का है। ब्लू साड़ी वाली मेरी बहन है, बिल्कुल मेरी, सारे बोलते हैं कि मेरी फेस इनसे बिल्कुल मैच होती है। इधर लाइट पिंक साड़ी में मेरी मम्मी हैं, उनके बगल मेरी बुआ, इधर से मेरी बहन, ऊपर वो ससुर हैं, बीच वाले चाचा हैं, उधर वाले बड़े पापा, ये दोनों जेठ हैं मेरे, वो जेठ के कोई फ्रेंड आए थे वो हैं। इसमें मेरी ननद के बच्चे हैं तीनों, जो कि अब बहुत बड़े हो चुके हैं। उधर ऊपर ब्लू और मैरून साड़ी में मेरी बुआ की बहू थी, मेरे बड़े ससुर जी, वो कोई गांव के हैं, ये दोनों लोग कहीं गांव के हैं, ये इनके फ्रेंड थे सारे, बहुत सारे फ्रेंड आए थे इनके, बस ये खास खास थे उसमें से। ननद के बच्चे हैं, ये एक बार बैठ गए गोदी में, फिर तो ये उतरे ही नहीं। ये यहाँ डांस हो रहा था, इनके मामा लोग के लड़के, इनके दोस्त सब मिल के स्टेज पे ही डांस कर रहे थे। इधर ये भी डांस कर रहे थे, इन्होंने भी खूब डांस किया था, स्टेज पे ही शुरू हो गए थे सारे डांस करना, सबको ज़बरदस्ती उतारा गया था, बहुत डांस हुआ था, बहुत ज़्यादा। ये मैं स्टेज से आ रही थी, मेरा भाई इधर ये नीचे वाली फ़ोटो में तिलक लगाया हुआ,
और यहाँ क्लोजअप की फ़ोटो है मेरी। मुझे अपनी क्लोजअप की फ़ोटो बहुत सुंदर लगती है बहुत। मैं ना, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है मोबाइल स्टैंड वगैरह, नहीं तो मैं अच्छे से आपको दिखाती। बहुत अच्छी है मेरी क्लोजअप की फ़ोटो, बहुत अच्छी आई है। और बहुत पता नहीं, अपने आप सभी अच्छे हैं लेकिन मुझे, मैं अच्छी लगती हूँ क्लोजअप वाली फ़ोटो में। आप लोग बताना कैसे लगी मैं आपको। ये 25 अप्रैल 2012 की फ़ोटो है। अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, सॉरी। फिर कभी मैं करूँगी अगर नेक्स्ट टाइम आई, हो सकता है। ये मेरे भाई ऊपर बुआ के लड़के वाइट कलर वाली टी शर्ट में, और ये मेरा भाई दिख रहा है ब्लू, लाइट ब्लू और वाइट कलर शर्ट में, टी शर्ट है, शर्ट है, छोटा भाई है मेरा। इधर जिनकी ब्लैक कलर की कॉलर है वो मेरी बुआ के लड़के थे। ये मेरी बुआ की बहू, बुआ के लड़के, और इधर मेरा भाई। ये इधर मेरे जेठ को अंगूठी दी जा रही है, मेरे ससुर को अंगूठी दी जा रही है खाना खिलाते समय, चाचा दे रहे हैं सबको। तो मेरे जेठ को फंस रहे थे कि उनको, मतलब पता नहीं था कि उनको भी दिया जाएगा, लेकिन मेरे घर में सब, दोनों जेठ को और ससुर को, सबको गिफ्ट दिया गया था। मेरी मम्मी को, ननद को, नंदोई को, सबको, मतलब सबके लिए गोल्ड का गिफ्ट था। ये डाल का सामान जो होता है वो है। मेरी मम्मी, मेरे ससुर, ये बुआ की लड़की हैं। और अब मैं जयमाल से, जयमाल का मेकअप क्लोज करके फिर आ गई हूँ मैं माड़ो में, जो शादी होती है। मेरे यहाँ पीली साड़ी चलती है पर मुझे ये ईंटे कलर की साड़ी मिली थी तो मैं वही डाली थी। साड़ी मामा के यहाँ से आती है। ये मेरी बुआ हैं, वो कर रही है क्या, कन्यादान का क्या बोलते हैं। मेरा भाई क्या कर रहे हैं मैं नाम जानती नहीं, क्या कहते हैं उसको। और ये शादी के लिए जब माड़ों में बैठते हैं, उधर कन्यादान सा होता है, मतलब पैर का क्या, पैर क्या बोलते हैं उसको, पूजा होता है। तो ये मेरी ब्लैक साड़ी में मेरी बुआ की बहू, येलो में मेरी बुआ, ये बुआ की बेटी, बीच वाली बुआ के बेटी की फ्रेंड, ये मेरा भाई लावा परस रहा है, हमारे यहाँ लावा परसते हैं। तो बड़ा वाला भाई है मेरा, वो लावा परस, हाँ लावा परसता है, जो कि धान का बना होता है, कहीं कहीं खील बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ लावा बोलते हैं। ये मेरा भाई, इनके गाल में दांत से काट रहा है, जीजा साले का कुछ होता है, काटते हैं ऐसे प्यार से, लेकिन इसने इतना ज़ोर से काटा था कि वो पूरा निशान बन गया था। फिर यहाँ सिंदूर दान हो रहे हैं, सिंदूर दान कर रहे हैं, और मेरी बुआ जो हैं वो सिंदूर बढ़ाई का काम कर रही हैं। उसके बाद मेरे जेठ जी ऊपर चुनरी छोड़ रहे हैं, मेरी मम्मी लोग आशीर्वाद दे रही हैं, मम्मी सारे देते हैं, मम्मी बुआ जो भी होते हैं उसमें, फिर से मतलब शादी हो गई उसके खुशी में आशीर्वाद देते हैं सबको। ये बुआ की लड़की ब्लैक साड़ी में, पीछे वाली बुआ हल्के पिंक कलर की साड़ी में मम्मी, ये नीचे ब्लू चूड़ी वाली मेरी बहन जो कि बिल्कुल मेरी टू कॉपी है, ये इस फोटो में मेरी चाची मुँह ढक के। फिर हम लोग आ गए थे कोहबर में, कोहबर में फिर बाती मिलाते हैं और दही गुड़ खिलाते हैं। फिर शादी की विधि संपन्न, फिर मॉर्निंग में होता है कलेवा, खिचड़ी बोलते हैं, तो उसमें वो भाई चैन दे रहा है, यहाँ अंगूठी पहना रहा है, यहाँ मुझे लगता है गाड़ी की चाबी, ये मेरे चाचा जी घड़ी दे रहे हैं, छोटा वाला भाई और जो देवर जेठ थे उनको गिफ्ट कर रहे थे घड़ी। और इधर मेरी बुआ की लड़की जो खिला रही हैं इनको कलेवा। उसके बाद ये मेरी जो, ये रेड साड़ी में जो फ़ोटो है यही दिखाई के लिए गई थी फैजाबाद के सबसे फेमस दुकान शुभम शंभू, शंभू शुभम क्या करके है,
वहाँ की फ़ोटो खींची हुई है, बहुत बेहतरीन फ़ोटो खींचते हैं वो। अगर किसी की शादी होनी है तो पक्का उस दुकान से फ़ोटो खींचवाए, बहुत ही अच्छी खींचते हैं। यहाँ सुबह खिचड़ी के लिए जब दूल्हा बैठता है तो सारे इकट्ठे होते हैं, ऊपर मेरी कुछ फ्रेंड, यहाँ का क्या बोलते हैं उसको, सुबह कुछ होता है क्या बोलते हैं मैं भूल गई, जो मेरी बहन है जो कि सुबह दूल्हे को सारे लोग गिफ्ट देते हैं, जूता चुराई की रस्म होती है यहीं पर, तो पहले सब गिफ्ट देते हैं माड़ों में, उसके बाद मेरी बहन ने जूता चुराया था, सबसे छोटी बहन जो थी उसने चुराया था जूता, मुझे लगता है 1100 रुपये कितना मिला था उस टाइम, मुझे याद भी नहीं है, मैं तो भूल गई। ये ब्लैक साड़ी में मेरी बहन, ये दूसरी बुआ की लड़की, ये मेरा छोटा भाई, मेरे बीच बड़ा वाला भाई, मामा का लड़का, छोटा भाई उसका फ्रेंड, छोटा भाई चाचा, बुआ का लड़का है ग्रीन कॉलर वाला, फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई, इधर मेरी सहेलियाँ एक दो, और ये मेरी येलो साड़ी वाली मेरी बुआ। ये होता है कोहबर में फिर जाते हैं दुल्हन विदा से पहले, और वहाँ भी शायद बाती बाती मिलाया जाता है, वही दही गुड़ फिर से खाया जाता है। उसके बाद ये कोइछा पूजा जा रहा है मुझे लगता है माड़ों में ले आके, और ये कोइछा भरा जाता है, बुआ भरती है इसको या दूल्हा भरता है पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है। यहाँ से मुझे लग रहा है विदाई शुरू हो गई, यहाँ हाँ रंग वंग लगाया जा रहा है मुझे लग रहा है। फिर ये ससुर जी लोग माड़ो हिलाते हैं हमारे यहाँ, ये मेरी विदाई। अभी पछताती हूँ कि मेरी मुंह खोल के एक भी फ़ोटो नहीं है, ये दहेज का सामान जो है, यहाँ माड़ो हिलवाई जो पैसा होता है इसी चद्दर में होता है सारा, ये सही बाला की साइकिल, इसके बाद और वीडियो दिखाऊंगी हो सके।